नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में, हूं राकेश। 17वीं बिहार विधानसभा में पहले सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व एनडीए के विधायकों पर की गई अमर्यादित टिप्पणियों के बाद से ही बिहार का राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि 1991 में सीएम नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा चला, जिसे बिना किसी पूछताछ के रफा दफा कर दिया गया। कंटेंट चोरी के मामले में मुख्यमंत्री रहते 25,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। तेजस्वी ने सृजन घोटाले की भी चर्चा की और एनडीए के विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ये डरे हुए चोर और बेईमान लोग हैं। उस समय सदन में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की संतान को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने दूसरा बच्चा इसलिए पैदा नहीं किया क्योंकि उन्हें बेटी होने का डर था। तेजस्वी यादव के एक के बाद एक निजी टिप्पणियों से आहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आक्रोशित हो उठे और पहली बार सदन में उन्हें काफी तल्ख अंदाज में देखा गया। सीएम नीतीश ने अपने ऊपर की गई टिप्पणियों पर एतराज भी जताया और कहा कि आप सभी मुझे इतना दिनों से जानते हैं, किसी के बारे में इस तरह असत्य बात कही जाए यह अशोभनीय है। सदन की एक मर्यादा होती है। अब इस मामले में सीएम नीतीश को पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का भी साथ मिला है। कुशवाहा ने इसके लिए ट्वीट किया और तेजस्वी यादव के आचरण को अमर्यादित करा दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि माननीय तेजस्वी यादव ने आज सदन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया वह घोर निंदनीय है। छी छी, क्या इसी राड़ी बेट खौकी के लिए सदन है? इस मसले पर जेडू एमएलसी नीरज कुमार ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाषाई विकृति राजनीति के संक्रमण काल में एक बड़ी चुनौती है। भाषाई रूप में हर राजनीतिज्ञ को समृद्ध होना चाहिए। ऐसे लोग ईर्ष्या और विद्वेष की बुनियाद पर राजनीतिक एजेंडा तैयार करते हैं। ऐसी टिप्पणी से राजनीतिक जीवन की सोचिता प्रभावित होती है। भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने भी तेजस्वी यादव को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि सदन में निजी हमला राजनीति के गिरते स्तर का परिचायक है। राजनीति के इस गिरते रूप में कि मैं निंदा करता हूं, आखिर हम ऐसा आचरण दिखाकर आने वाली पीढ़ी को क्या सीख दे पाएंगे? वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए नीतीश कुमार पर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि सदन में सीएम नीतीश का व्यवहार सदमे की बात है, क्योंकि नीतीश कुमार भाषा और व्यवहार के मामले में शालीनता के प्रतीक हैं, लेकिन जो विधानसभा में जो हुआ वह व्यवहार वो पहली बार दिखा। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, इसलिए चुनाव के समय तेजस्वी यादव पर निजी हमला किया था। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग सदन में लालू परिवार को टारगेट कर रहे थे, इसलिए हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वही हुआ, लेकिन राजनीति में इस तरह की परंपरा दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि सभी ने इस पर जो है तेजस्वी यादव पर तंज कसा, लेकिन ये भी कहा कि अगर सत्ता पक्ष वाले अगर निजी हमला करते हैं तो विपक्ष भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और जैसे को वैसा ही जवाब दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप सदन के अंदर मौजूद हैं, जनता ने आपको चुनकर वहां पर भेजा है, तो आप अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, इन दोनों को या फिर कोई भी ऐसे नेता जो जनता चुनकर उन्हें सदन में भेजती है, प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोगों की, तो उन्हें इन सब बातों से बचना चाहिए, इन सब विवादों से बचना चाहिए, क्योंकि समाज में इसका गलत मैसेज जाता है, गलत संदेश जाता है और नेताओं के प्रति जो भावनाएं होती हैं लोगों के तरफ से वो बुरी छवि के तौर पर देखने को मिलती है। इसलिए आने वाले पीढ़ियों को अगर अच्छी तरह से नेताओं के प्रति छवि बनाना चाहते हैं तो इस तरीके की सियासत से सभी को बचना होगा। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।